नमस्कार। सो आप में से कई लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज होते हैं NRI सीट्स को लेके, तो फिर से मैं कोशिश करता हूँ आप सबको हेल्प करने की। विवेक गुप्ता MBBS काउंसलर के अलावा एक बहुत फेमस करियर काउंसलर, तो समझिए। तो मैंने वो बार बार कहा कि NRI सीट पहली बात तो मोटा मोटी दो तरह की होती है, या तीन तरह की कह लीजिए, जिसमें स्टूडेंट NRI होता है। तो एम्स दिल्ली में सीट लेने के लिए स्टूडेंट शुड बी NRI, दैट मीन जब आपने नीट का फॉर्म भरा था ना, तो आपने एज ए NRI भरा है। बच्चा तो तभी NRI होगा ना जब बच्चा ही बाहर था और 11 12th उसकी बाहर से हुई है। जैसे ही आपने 11 12th इंडिया में करके एज ए इंडियन भर दिया, स्टूडेंट आप NRI सीज हो गए एग्जिस्ट करना। फिर सेकंड आता है कि जब आपके पेरेंट्स NRI हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी 3-4 बोलते हैं। फिर प्रायोरिटी 5 आता है स्पॉन्सर्ड NRI, जिसमें ना बच्चा NRI है ना बच्चे के पेरेंट्स NRI हैं, बट बच्चे का कोई रिश्तेदार NRI है। और यहीं पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो देखिए, फिर से मैं कहता हूँ, हमेशा इंडिया में 25 तरह की काउंसलिंग हो रही है, मतलब 25 स्टेट और एक MCC जो सेंट्रल है। पंजाब गुजरात दो स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट वाली NRI को एक्सेप्ट करते हैं कि या बच्चा NRI हो या उसके पेरेंट्स NRI हो। उसके बाद मोस्ट जगहों पर होती है फर्स्ट ब्लड स्पॉन्सर, दैट मीन्स बच्चे का पापा मम्मी के सगे भाई बहन, सगे मतलब सगे, तो पिताजी के सगे भाई बहन, सगा चाचा, सगा ताऊ, सगी बुआ, मम्मी के सगे भाई बहन, सगी मौसी, सगा मामा या उनके बच्चे, इनमें से कोई NRI OCI या POI होना चाहिए। दैट मीन्स बाहर वो सेटल्ड है, जिसके फिर आप पेपर्स बनवाते हैं। तो अगर आपको MCC के 51 कॉलेजेस में, जिसमें भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, अमृता, मुलाना, सिम्बियोसिस, JSS, JNM बिलगवी एक्सेट्रा सेट्रा आता है, आपको 100% ये रिलेशन चाहिए ही चाहिए। जो आपसे कह रहा है कि बिना रिलेशन के दिलवा दूंगा, इसलिए वो ट्राई मार रहा है, ब्लफ खेल रहा है। 2023 में ऐसे सब पेपर्स MCC ने रिजेक्ट कर दिए थे। हरियाणा स्टेट में भी यही रिलेशनशिप चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली, राजस्थान में भी यही चाहिए, हिमाचल में भी यही चाहिए। और आपकी नहीं होगी, आप अप्लाई करोगे जब, तो सेंट्रल बॉडी जो काउंसलिंग बॉडी है वो आपके पेपर रिजेक्ट कर देगी। तो जितना भी आपने खर्चा किया वो वेस्ट हो जाएगा और आपकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। तीसरा NRI, जिसमें बोलते हैं कोई भी NRI चलता है, इसको बोलते हैं गार्जियन NRI। तो दो सबसे बड़े फेमस हैं, मध्य प्रदेश स्टेट कॉलेजेस और कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस। तो मध्य प्रदेश स्टेट में चाहे वो अरबिंदो हो, चाहे RD गार्डी हो, चाहे चिरायू हो, भोपाल हो, चाहे हमारा सिंपल RKDF हो, महावीर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कर्नाटका के स्टेट कॉलेजेस विदेही, केम्पेगौड़ा, रामया, सप्तागिरी, BGS, आकाश, ऑक्सफोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको एक बड़ा सिंपल फार्मूला बताऊँ कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और ये वैसे भी हेल्प करेगा। तो ये जो दो स्टेट मैंने बोले, MP और कर्नाटका, आप ना इनका ब्रोशर चेक कीजिए, इनका फ़ी स्ट्रक्चर चेक कीजिए। जिस भी कंसल्टेंट के आप टच में हैं, वो फीस रुपीस में लिखी हुई है। तो MP की NRI फीस ब्रोशर में MP की उसमें लिखी आती है 41 लाख रुपए या 28 लाख रुपए पर ईयर। वो लिखते ही रुपीस में है, दे आर नॉट कन्वर्टिंग फ्रॉम डॉलर, वो लिखते ही रुपीस में। दैट मीन्स सिर्फ NRI का पेपर चाहिए, फीस आप इंडिया से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बाकी NRI थे, सिमिलरली कर्नाटका स्टेट, आप कर्नाटका का ब्रोशर देखिएगा, केम्पेगौड़ा की NRI फीस, रामया की NRI फीस, BGS की NRI फीस, डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर की NRI फीस रुपीस में लिखी हुई है। बट जब आप MCC में कोई भी कॉलेज खोलेंगे, आप भारतीय विद्यापीठ पुणे का वेबसाइट खोलिए, आप DY पाटिल की खोलिए, आप MGM मुंबई की खोलिए, NRI फीस डॉलर में लिखी होती है। दैट मीन्स फर्स्ट ब्लड रिलेशन चाहिए, और फीस कम से कम पहली फीस बाहर से आनी चाहिए। उसमें भी अगर आप सरकारी कॉलेज ले लेंगे, जैसे जो राजस्थान के सरकारी कॉलेज में NRI सीट है, या हिमाचल में है, या हरियाणा में है, तो उसमें तो सारी फीस NRI का अकाउंट से डॉलर में आनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजों में वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कुछ कॉलेजेस, कि पहली फीस डॉलर में भिजवा दीजिए बाहर से, अगले 5 साल की हम इंडियन रुपीस में ले लेंगे कन्वर्ट करके, जो उस दिन का रेट होगा। और उसमें भी फिर कुछ कॉलेज ये भी कहते हैं कि पहले साल की भी आधी फीस चलो बाहर से भिजवा दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। उसी डील के लिए कंसल्टेंट्स आपकी मदद करते हैं। इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूँ, तो MP और कर्नाटका में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सिमिलरली जहाँ वो रुपीस भी लेने को तैयार हैं, वहाँ पर एनी NRI रिलेशन विल वर्क, मतलब कि आपका कोई फ्रेंड भी है तो चलेगा। तो कोई भी नहीं है तो फिर कंसल्टेंट्स आपके लिए NRI पेपर बनवा देते हैं, बिल्कुल चलते हैं वो। बट हरियाणा में, पंजाब में,
हिमाचल में, राजस्थान में, एमसीसी में, बिहार में, वहाँ पर फर्स्ट ब्लड एनआरआई चाहिए ही चाहिए। समझ गए, आई होप ये क्लियर करेगा आपको, ताकि आप फंसे ना। देखिए होता क्या कि लोग कहते हैं सर चांस मार लिया एमसीसी में, अब एमसीसी में आपने एनआरआई बन के चांस मार लिया और आपके पेपर रिजेक्ट हो गए, तो ये तो आपका 2 लाख का डिपॉजिट ख़राब हो जाएगा, साथ में फिर अगले राउंड में आपको दोबारा इंडियन बन के काउंसलिंग करनी पड़ेगी और आप थोड़ा सा मेंटली शेकअप हो जाओगे। तो सोच समझ से कीजिए ना, जब आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है, तो अगर आपके पास जेन्युइन फर्स्ट ब्लड एनआरआई नहीं है तो और भी तो बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ चले जाइए। समझ रहे हैं बात को? जब आप देखिए, आप किसी भी एमसीसी वाले कॉलेज में जा रहे हो तो 1.5 करोड़ तो खर्च करने वाले ही हो ना, तो 1.5 करोड़ में तो एमपी, कर्नाटका बहुत कुछ मिल जाएगा, तो फिर क्यों गलत पेपर के साथ रिस्क ले रहे हो? ये मेरी हमेशा आपको सलाह है। हमसे संपर्क करना चाहें आप जानते ही हैं, 9643362320 कॉल कीजिए। फर्स्ट कॉल भी पेड कॉल होती है, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, सो दोबारा नहीं बोलूँगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 9643362320